ओम तत् सत् ब्रह्मणे नमः। छंदोपनिषद। ओम शांति शांति शांति। मेरे हाथ पांव आदि अंग सब प्रकार से पुष्ट हो। वाणी प्राण नेत्र और श्रोत्र पुष्ट हो तथा संपूर्ण इंद्रिया बल प्राप्त करे। उपनिषद में प्रतिपादित तो ब्रह्म ही सब कुछ है। मैं ब्रह्म का निराकरण त्याग न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। इस प्रकार हमारा निराकरण निरंतर मिलन हो। इस प्रकार हमारा अनिराकरण निरंतर मिलन हो। अनिराकरण हो पर उपनिषदों में जो सम आदि धर्म कहे गए हैं वे ब्रह्मरूप परमात्मा में निरंतर रमण करने वाले मुझ में सदा बने रहे। आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक ताप की शांति हो। अथ प्रथमोध्याय प्रथम खंड संबंध भाष्य। ओमित्यदक्षरम् इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाला ये 8 अध्यायों का ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद है। उसका अर्थ जानने की इच्छा वालों के लिए इस छोटे से ग्रंथ के रूप में उसकी सरल व्याख्या संक्षेप से आरंभ की जाती है। वहां कर्मकांड के साथ इसका संबंध इस प्रकार है। विहित और निश्चित रूप से जाने हुए समस्त कर्म का प्राणादि देवताओं के विज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करने पर वह अर्ची आदि देवयान मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण होता है तथा केवल उपासना रहित कर्म धुमादि मार्ग से चंद्रलोक की प्राप्ति का हेतु होता है। जो इन दोनों मार्गों से पतित एवं स्वभाव अनुसार प्रवृत्त होने वाले होते हैं उनकी कष्टमयी अधोगति बताई गई है। इन दोनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग पर रहने से आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः संसार की उपयुक्त त्रिविध सदगतियों के हेतुगत कर्म का निराकरण करते हुए कर्म की अपेक्षा से रहित अद्वैत आत्मज्ञान का प्रतिपादन करना है। इसी उद्देश्य से इस उपनिषद का आरंभ किया जाता है। अद्वैत आत्मविज्ञान के बिना और किसी प्रकार आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा कि आगे कहेंगे भी जो लोग इस अद्वैत आत्म से विपरीत जानते हैं वे अन्य राज मतलब अनात्म के अधीन होते और क्षीण होने वाले लोकों में जाते हैं। किंतु इससे विपरीत आत्मज्ञान होने पर श्रुति कहती है वह स्वराट होता है। इस प्रकार तपे हुए परशु को ग्रहण करने से चोर के जलने और बंधन में पड़ने के समान द्वैत विषयक रूप मिथ्या में अभिनिवेश रखने वाले पुरुष का बंधन होता है तथा उसे सांसारिक दुखों की प्राप्ति होती है। ये बतलाकर श्रुति अद्वैत आत्मरूप परम सत्य में प्रतीत रहने वाले पुरुष को जो पुरुष चोर नहीं है उसके परशु ग्रहण करने पर दाह और संबंध न होने और बंधन न होने के समान संसार दुख की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति बतलाएगी। इसी से यथार्थ कर्म और ज्ञान दोनों विरुद्ध फल वाले हैं ऐसा निश्चय होने के कारण ही अद्वैतात्म दर्शन कर्म के साथ होने वाला नहीं है। क्योंकि क्रिया कारण और कर्म फल भेदों का बाध करके सत मतलब ब्रह्म एक और अद्वितीय है ये सब आत्मा ही है इत्यादि प्रकार के वाक्यों से उत्पन्न होने वाले अद्वैत आत्मज्ञान का कोई बाधक प्रत्यय होना संभव नहीं है। यदि कहो कि कर्म विधि विषयक ज्ञान ही उसका बाधक है तो ऐसा होना भी संभव नहीं है। क्योंकि जो अपने को स्वभाव से ही करता भोक्ता रूप जानता है और उससे होने वाले कर्म फल में राग द्वेष रूप दोषों से युक्त है उसके लिए कर्म का विधान किया गया है। शंका। जो संपूर्ण वेदार्थ को जानने वाला है उसी के लिए कर्मों का विधान किया गया है। इसीलिए अध्यात्म तत्व को भी तो कर्म करना ही चाहिए। समाधान नहीं क्योंकि कर्म के अधिकार से संबंध रखने वाला कर्तृत्व भोक्तात्व रूप
स्वाभाविक विज्ञान सत मतलब ब्रह्म एक और अद्वितीय है, ये सब आत्मा ही है इत्यादि वचनों से बाधित हो जाता है। इसलिए कर्मों का विधान अविद्यादि दोषवान पुरुष के लिए ही क्रिया किया गया है, अद्वैत आत्मा के लिए नहीं किया गया। इसलिए श्रुति आगे कहेगी, ये सब कर्म कर्मकांडी पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं तथा ब्रह्मनिष्ठ परमहंस अमृतत्व मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। वहाँ ये अद्वैत विद्या विषयक प्रकरण में अभ्युदय की साधन भूता उपासनाएं बताई जाती है, जिसका फल केवल ये मोक्ष का समीपवर्ती है। और जो अद्वैत ब्रह्म की अपेक्षा मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों के अनुसार कुछ विकारों को प्राप्त हुए ब्रह्म से संबंध रखने वाली है, वे उपासनाएं कर्मांग से संबंध है और कर्मफल की समृद्धि उसका फल है, क्योंकि रहस्य में यथार्थ उपनिषद शब्द से कर्तव्य होने में तथा मनोवृत्ति होने में उन आत्मज्ञान और उपासनाओं में समानता है। इससे वे उपासनाएं आत्मविद्या के प्रकरण में रखी गई है। जिस प्रकार अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र है, उसी प्रकार अन्य उपासनाएं भी मनोवृत्ति ही है, उस यही इन दोनों की समानता है। तो फिर अद्वैत ज्ञान और उपासनाओं में अंतर क्या है, सो बताना बतलाया जाता है। अद्वैत आत्मज्ञान अक्रिय कर आत्मा में स्वभाव से ही आरोपित कर्ता आदि कारण क्रिया और फल के भेद ज्ञान की निवृत्ति करने वाला है। जिस प्रकार की प्रकाश के कारण होने वाला रज्जु आदि के स्वरूप का निश्चय रज्जु आदि में आरोपित सर्प के ज्ञान को निवृत्त कर देता है, किंतु उपासना तो किसी शास्त्रोक्त अवलंबन को ग्रहण कर उसमें विजातीय प्रतीति से अव्यावाहित सदस्य चित्त वृत्ति का प्रवाह करना किससे, यही इन दोनों में अंतर है। वे ये उपासनाएं चित्त शुद्धि करने वाली होने से चतु वस्तुत्व की प्रकाशितता का होने के कारण अद्वैत ज्ञान में सर्वनाशिक अद्वैत ज्ञान में उपकारिणीय तथा अवलंबन युक्त होने के कारण मुक्ता सुमुक्ता से संपन्न की जा सकती है। इसलिए उसका पहले निरूपण किया जाता है। यह वहाँ साधारण पुरुषों में कर्माभ्यास की दृढ़ता होने के कारण कर्म का परित्याग करके उपासना में चित्त को लगाना अत्यंत कठिन ही है। इसी से सबसे पहले कर्मांग संबंधी उपासना का ही उल्लेख किया जाता है।